सरोकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष की नई वेबसाइट भी करेंगे लॉन्च। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को जजों की नियुक्ति से संबंधित फाइल पुनर्विचार के लिए की वापस। तमिलनाडु में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने ग्रामीणों के लिए राहत बचाव कार्य निर्देश। आंध्र प्रदेश के सीएम जगमोहन लाल रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। केसीआर पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में होने जा रही थी शामिल। भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। भानुप्रताप में होने वाले उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने सर्व आदिवासी समाज में आने वाले अकबर राम को अपना उम्मीदवार चुना है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत पोयम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ST SC OBC से मोह खत्म होने की वजह से सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। बहुजन समाज पार्टी अभी भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कोई प्रत्याशी तो खड़े नहीं किए हैं। बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश था और अभी वर्तमान में जो सर्व आदिवासी समाज सम्मानी हमारे अकबर कोराम जी के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत पोयाम जो प्रदेश अध्यक्ष है बहुजन समाज पार्टी के निर्देश अनुसार उनके सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष के साथ विस्तार से चर्चा हुआ। मैं सर्वप्रथम तो बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारी को, मतदाताओं को सर्ववादी समाज के तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं जिसने हमको समर्थन दिया। इनके समर्थन से अब निश्चित ही हमको विजय मिलेगा और विजय ऐसे मिलेगा जिसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया है, दूसरे बीजेपी वाले नहीं किया होगा, कांग्रेस वालों ने नहीं किया होगा। नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान गश्त करने के दौरान नक्सलियों के प्लांट किए आईडी ब्लास्ट का शिकार हो गए। ब्लास्ट में सीआरपीएफ 168 बटालियन के जवान दीपक पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जवान को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। नगर निगम चिरमिरी की आम बैठक में बीजेपी नेताओं और पार्षदों ने जमीन पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों की सर्वसम्मति के बिना सामूहिक भवन का नाम बदलकर महर्षि भवन कर दिया गया, जिस पर वार्ड 16 समेत कई अन्य पार्षदों ने विरोध जाहिर किया है। MIC सदस्य शिवांश जैन ने पार्षद से लिखित आपत्ति पत्र दर्ज कराने पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में CSEB नहर पुल समेत अन्य 3 चौराहों पर निजात अभियान के तहत कार्रवाई हुई। चेकिंग अभियान में शराब पीकर वाहन नो एंट्री का उल्लंघन करने वाले चालकों को चालान काट कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की जानकारी दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय सर के निर्देशन में शराब पी के वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में कोतवाली पुलिस द्वारा 21 प्रकरण 185 MV एक्ट के दर्ज किए गए। कल 5 प्रकरण 283 के भी कायम किए गए हैं। आने वाले दिनों में लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी।
मानवाधिकार आयोग की टीम ने कोरबा जिले के अस्पताल, स्कूल, जिला जेल और कई अन्य संस्थाओं का निरीक्षण कर निर्धारित व्यवस्था के आधार पर संस्थाओं के संचालन का जायजा लिया। इस दौरान कई समस्याएं भी मिली, जिस पर आयोग की टीम ने सरकार की रिपोर्ट देकर त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। मानवाधिकार की टीम ने पत्रकारों को बताया कि तय रूटीन के आधार पर संस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और संसाधनों का जायजा लिया जाएगा। जांजगीर के अकलतरा रोड के एक पेट्रोल पंप पर खराब खड़े रोड रोलर को अज्ञात लोगों ने चोरी कर 25 रुपए में बेचने का सौदा तय किया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी ने थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से रोड रोलर के टुकड़े, स्वराज माजदा बाइक, नगद रुपये, कट्टर सामान बरामद कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इनको कई हिस्सों में बांट करके चोरी की गई है और बेचने का भी प्रयास किया गया है। क्या मामला सर बता दें? देखिए, राजेंद्र पटेरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड निर्माण का काम करती है। उनके मैनेजर के द्वारा थाना जहांगीर में रोड रोलर चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया था। इस पर विधिवत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की पत्थरसाजी की जा रही थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर सूचना और तकनीकी जानकारी और गवाहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसी जानकारी मिली कि दो संदेही जो किसान पर सतर्क रहने वाले हैं, उनके द्वारा घटना कारित किया गया। जांजगीर में लावारिस शवों और घायलों को निशुल्क एम्बुलेंस सेवा के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एसपी विजय अग्रवाल ने मां कर्मा एम्बुलेंस के संचालक पारस शाहू और ड्राइवर अरविंद यादव को पुलिस प्रशासन की मदद करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया। अकलतरा में दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है, साथ में जो ट्रेन से कट जाते हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस सुविधा और शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उनके द्वारा विगत 2 वर्षों में 100 से भी अधिक प्रकरणों में मदद की गई है और लिहाजा उनके प्रयासों को देखते हुए आज उनको बुलाया गया था और उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है और उनका यह कार्य निश्चित रूप से अनुकरणीय है और जिला पुलिस जांजगीर उसकी प्रशंसा करता है। बीजापुर के पोटा केबिन आश्रम की अधीक्षिका को हटाने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से नाराज छात्रों का प्रदर्शन जारी है। रेसिडेंशियल स्कूल नील सनार के छात्रों ने नेशनल हाईवे पर आवागमन को 20 मिनट तक पूरी तरह से बाधित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने आंदोलनरत छात्रों से बात कर प्रदर्शन को शांत कराया और पोटा केबिन अधीक्षिका के बर्खास्तगी के संबंध में छात्रों से उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांजगीर चांपा में चोरों ने शीतला मंदिर का गेट तोड़कर हजारों रुपए की नकदी और कई कीमती मूर्तियां चुराकर फरार हो गए। मंदिर के गर्भगृह से 2 मुकुट, दान पेटी से 2,500 रुपए नकदी भी चुरा ली गई। सूचना पर पहुंचे एडिशनल एसपी अनिल सोनी और सिटी कोतवाली पुलिस ने डार्क स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल का संघ निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारी ने चोरी घटना में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। देखिए, राजेंद्र पटेरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो रोड निर्माण का काम करती है। उनके मैनेजर के द्वारा थाना जहांगीर में रोड रोलर चोरी होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराया था। इस पर विधिवत मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की पत्थरसाजी की जा रही थी। इस बीच पुलिस को मुखबिर सूचना और तकनीकी जानकारी और गवाहों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ऐसी जानकारी मिली कि दो संदेही जो किसान पर सतर्क रहने वाले हैं, उनके द्वारा घटना कारित किया गया है। उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गठित टीम द्वारा मौके पर जाकर के पूछताछ किया गया। पूछताछ पर प्रथम दृष्टया उन्होंने गुनाह कबूल नहीं किया और टाल मटोल करते रहे, किंतु जब उन्हें तथ्यों की जानकारी दी गई तो वो अपना जुर्म करना स्वीकार किए और आरोपी भूपेन भास्कर, उनके चचेरे भाई जसवंत, ये दो मुख्य आरोपी हैं। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।